हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत बिजी होने के बाद भी मैं आज आपको सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने है दोस्तों कैनन का प्रिंटर, और कैनन का प्रिंटर है YMF 3010 30-10 मॉडल का है मेरे सामने प्रिंटर है। उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, एक इरर कोड, वो मैं आपको दिखाऊँगा, और उस इरर कोड को हम किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है और किसके वजह से वो इरर कोड आ रहा है मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरे सामने रहा प्रिंटर आईसेंस YMF 3010 मॉडल का प्रिंटर है। यहाँ पे देखिए आईसेंस YMF 3010, ठीक है दोस्तों। इस प्रिंटर में एक इरर आ रहा है, और यहाँ पे प्रिंटर रेडी दिखाता है, लेकिन भी जब कमांड करोगे तो यहाँ पे इरर दिखाता है, ठीक है। इसको मैं लाइन करंट लगाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर क्या इरर होगा मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस तरह का सोल्यूशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और आपका कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है E001 इधर दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। मैंने प्रिंटर को ऑफ कर दिया और फिर सेंड करता हूँ। ये देखिए इस तरह का इरर यहाँ पे शो होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस तरह का इरर जब आएगा E001 का मतलब क्या होगा मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों इस तरह का जब इरर आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इसका इरर हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पे हो सकता है दोस्तों इसका फ्यूजर यूनिट में, ठीक है, और इसका जो फिक्सिंग असेंबली होता है दोस्तों उसमें भी इसका इरर हो सकता है, और इसमें इरर हो सकता है दोस्तों जो फिक्सिंग असेंबली में का में जो पावर देने वाला जो बोर्ड होता है उसके बोलते हैं दोस्तों इंजन कंट्रोलर PCB, ठीक है। और उसमें भी जो जब फॉल्ट हो जाएगा तो उसको फॉल्टी के बाद भी ये इरर आता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उसको सोल्यूशन के लिए हम क्या करना होगा, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करूँगा दोस्तों मेन इंजन कंट्रोलर बोर्ड, और उसको रिप्लेस करने के बाद भी यहाँ पे इरर नहीं हटेगा और नहीं सोल्यूशन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर दिखाऊँगा आपको दिखाऊंगा मैं जो फिक्सिंग असेंबली है उसको रिप्लेस करके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है मैं एक बार यहाँ पे जो मेन कंट्रोलर PCB है, इंजन कंट्रोलर PCB है, उसको मैं रिप्लेस करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहना दोस्तों, मैं इसको सोल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ भी हमारा होता है दोस्तों इंजन कंट्रोलर PCB, ये इसको बोलते हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा बोर्ड है उसको बोलते हैं मैं इंजन कंट्रोलर PCB, ठीक है। मेन PCB यहाँ पे है दोस्तों, और इसको बोल देंगे हम पावर सप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करके देखूँगा एक बार, ठीक है।
ये है हमारा मेन पीसीबी, ठीक है। दोस्तों ये रहा हमारा पावर सप्लाई और इंजन कंट्रोलर बोर्ड, ये है इंजन कंट्रोलर पीसीयू, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये रहा हमारा इंजन कंट्रोलर पीसीयू, ठीक है। इसको मैं एक बार यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। ये रहा हमारा इंजन कंट्रोलर पीसीयू। मैं इसको रिप्लेस करने की बात मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं पावर सप्लाई जो मेन इंजन मेन इंजन कंट्रोलर होता है दोस्तों उसको मैं रिप्लेस करके देख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगा। सब हो गया दोस्तों, इतने होने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लाइन लगाऊंगा, ठीक है। लाइन लगा दिया, इतने लगाने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रिंटर जोड़ दिया और जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा प्रिंटर बिल्कुल रेडी दिखा रहा है। तो उसमें जब रेडी दिखा था दोस्तों पहले रेड दिखाने के बाद भी जब हम कमांड करेंगे तो एरर आ जाता था, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे देखूँगा क्या होता है। यहाँ पे ये डबल में डालूँगा, ठीक है। और पिन किस तरह का है, और यहाँ पे डालूँगा पेपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ देखिए इस साइड में यहाँ पे प्रिंटेड है और इस साइड में प्रिंटेड नहीं है दोस्तों, ठीक है। यही बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये देखिए दोस्तों यहाँ प्रिंटर पेपर, इसको मैं यहाँ पे डालूंगा और मैं स्टार्ट करूँगा और इस तरह का प्रिंट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बिल्कुल पेपर खींचने का कोशिश कर रहा है, वहाँ भी जो जब डॉस होगा पेपर खींचने में दिक्कत थोड़ी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमारा पेपर खींच लिया, बिल्कुल बैंक प्रिंट कर रहा है अभी। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका जो कार्टेज होता है मैं दूसरे स्टूडियो में, ठीक है। नेक्स्ट कार्टेज यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने दूसरे कार्टेज लगा दिया, ठीक है। कार्टेज लगाने के बाद यहाँ पे मैं एक कमांड करूँगा किस तरह का प्रिंट मिलेगा अब देखिए, ठीक है। स्टार्ट कर दिया, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों प्रिंट बिल्कुल अच्छे आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे रहा था इस तरह का डॉक्यूमेंट, अभी प्रिंट हो गया इस तरह का डॉक्यूमेंट, ठीक है। और दोस्तों इस तरह का जब प्रॉब्लम आएगा दोस्तों आपका प्रिंटर में जब तो वो रहता है दोस्तों कि एक तरह रहता है दोस्तों
फिक्सिंग असेंबली है जो फिक्सिंग अरेंजमेंट का हीटिंग एलिमेंट है, उसमें जब अच्छी तरह से करंट सप्लाई नहीं होगा तो इस तरह का इधर आएगा। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे होगा इसका प्रॉब्लम जो इंजन कंट्रोलर पीसीबी है उसको रिप्लेस करना होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने दोस्तों, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इस तरह का जो प्रॉब्लम आएगा इस तरह का, इस तरह से आप सोल्यूशन कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम फिर से दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे।